मेरा तेर सिंह। तेर सिंह कहाँ रहते हो? हिपोर कौन कामत खोले। कल क्या हुआ था आपके साथ मार्केट में? कल बैंक का आया था पैसा के लिए, ये केवासिन पैसा वहाँ खड़ा रोई रोई रहने परेशान हो गया ने, टेम हो गई है हमारे जाने का, तो पैसा है नहीं जाने का किराया। तो वो ये राठौड़ जे जितुन राठौड़ इसका मैं माल भी देता है और उधार पावा हमारा चलता रहता, तो 500-100 मांगने कर ऐसा दूर से बुलिया था। तो लड़की इतना थी, तो लड़की तुम्हारा बाप कहाँ गया, मैं बात करने था पैसा मांगने था 500 ऐसा, तो हमारा बाप के साथ क्या काम है नहीं था। अब भी 108 पर लगा दूंगा देर को, अभी थाने पुगाड़ूंगा कही थी इतना बुल जाने फोचोर ना इन दे दे के करने लग गए, तो पहाड़ी दिया मेरे को भी बाज इतना धाना था। इनको पहचानते थे तुम पहले से? किसको? दोनों को, मुकेश और रितेश। नहीं नहीं पहचानता इनको, ये तो पीछे से मारपीट करी है मेरे, वो कहीं मालूम है इसके साथ बात नहीं है। पीछे से आके मारपीट? हाँ पीछे से। आज थाने में हम इसलिए आए कि कल शाम को 5:15 करीब जो हमारे क्षेत्र के आदिवासी है हमारे समाज का, ये पार्टी में आए पैसे निकालने के लिए, तो पैसे उनके महिलाओं के खाते में नहीं थे। तो हमारे जो पार्टी में एक देवराम राठौड़ का लड़का है जितेन, उनके पास गए 500 रुपये दो मैं गेहूँ बच के दे दूंगा। तो उतने में वो लड़की मेरा पप्पा नहीं घर पे है ऐसी बोली, तो हमारा उस पप्पा से लेन देन चलता रहता है, मुझे बात करवा दो, तू जा इधर, मेरे पापा क्यों ढूंढ रहा है, 108 लगा दूंगा तेरे को थाने पहुंचा देंगे। इतने में कहते हुए रितेश काहर और उमेश मुकेश दोनों पीछे से आ गए, मेरे को पीछे से मारना चालू कर दिए। मेरे को पता नहीं होश में कितना कितना मारा, और मेरी घरवाली बचाने की कोशिश की तो उसको भी मारा, ऐसे करके वो वीडियो वायरल हुआ। तो हमने हमारे समाज की तरफ से हमने पता किया कि हमारे समाज के ऊपर कौन ऐसा किया, तो वो आदमी पिपरकुंड का निकला, पिपरकुंड कामत फैलिया का पटेल का भाई है, और उन पीड़ितों से हमने पूछा तो वो पीड़ित ने बताया कि हमें वो भारी तरह से मारे और मेरी पत्नी को भी मारा, और मैंने वहाँ से भागा बैंक के पास गया तो वहाँ भी मारने लगा, तो मैंने मेरा चप्पल मेरे टावल वहीं पे गिर गए नांगे पैर। मैंने पार्टी से मैंने 8 किलोमीटर सावरे पानी गए, और वहाँ मैं जाके मेरे परिवार वालों को फ़ोन करके बुलाया, तो हमने उनसे पूछा परिवार वालों से पूछा, तो हमारे साथ ऐसी घटना हुई ऐसे हमें पता चला, तो हमने आज थाने पे रिपोर्ट डालने आई। दादा पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है, और आपने क्या उनसे चर्चा की है? हमने दो युवाओं को ये गिरफ्तार किया, हमने रात से पुलिस को भी बोला कि जो हमारे आदिवासी समाज की ऐसी घटना होती क्यों हुई, और ये आपकी लापरवाही के कारण ऐसी घटना हुई, वो इसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए करके हमने रात को भी पुलिस को बोला। और ये पहली घटना नहीं है, क्योंकि आदिवासियों के साथ पहली घटना नहीं है, भले चाहे नेमावर की घटना हो या नीमच की घटना हो या मनावर की घटना हो, इंदौर की घटना हो या गुना जिले की घटना हो, ये आए दिन हमारे समाज के ऊपर ऐसी घटना होती जा रही। और हमारे आदिवासी का जो बाजार लगता, और आदिवासी आते तो ही पार्टी का बाजार चलता, और आदिवासी के पैसे से उनका परिवार चलता, वो आदिवासी के पैसे से उनका इलाज चलते, उसके परिवार पढ़ाते, लेकिन आदिवासी के पैसे पे इनका इनके जो हमारे समाज के ऊपर इतना अन्याय कर रहा। अगर हमारे समाज आदिवासी पार्टी शहर में नहीं आए तो ये कागज ने ये हवा पानी खा सकते क्या? लेकिन जो हमारे पैसे से वो उनका जीवन काल चलाते हुए हमारे पर इतना हमला किया जा रहा, शोषण किया जा रहा, महिलाओं को बेशर्मी के मारा, वो रोड पे मारा, वो खींच खींच के मारा, जबकि पार्टी थाने में CCTV कैमरे लगा कि उसी वक्त तत्काल उनको कवर करना था। पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हो आप? पुलिस अभी कार्रवाई कर रही उससे हम संतुष्ट तो है, लेकिन ये पहली घटना नहीं है। अगर हमारे समाज के ऊपर आइंदा ऐसी दोबारा घटना हुई तो हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जो हम कार्रवाई करना था वो कार्रवाई पुलिस को हवाले दे दिए, और ये जो पहली जो हम जो रितेश और मुकेश ये है तो ये अन्य लोगों से भी किया होगा, लेकिन ये फुटेज में नहीं आया इसलिए ये बच गए। तो हम मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाह रहे कि आइंदा में हमारे समाज के ऊपर ऐसा हमला नहीं होना चाहिए,
नहीं तो हमारे क्षेत्र पाटी और बड़वानी अनुसूचित क्षेत्र है, अति पिछड़ा है और अंग्रेजों से पहले बसे है और पार्टी हमारे परदादा की पार्टी है और पार्टी हमारा जो खून पसीने से कमाया हुआ धन खाके हमारे ऊपर वार कर रहा, ऐसा हम कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसके ऊपर तुरंत पुलिस कार्रवाई करे, उसको तत्काल जेल में छोड़ा जाए। अगर आइंदा दूसरे भी किए जाए तो हमारे बिना आंदोलन बिना आने से भी पुलिस ये सख्त कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये पुलिस और प्रशासन की लापरवाही से हमें इकट्ठा होना पड़ रहा।